अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा 2022 के बारे में। ऐसे तमाम टोकन मैं आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जिनकी प्राइस अगर हम ऑल टाइम देखें तो बहुत ही ज़्यादा हाई थे, लेकिन इन दिनों उनके प्राइस बहुत डाउन हो चुके हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि टेक्निकल एतबार से अगर हम क्रिप्टो की दुनिया को फॉलो करें तो अक्सर किसी भी टोकन की प्रोडक्ट का अगर कोई मार्केट के अंदर ट्रेंड आता है तो वो टोकन बूस्ट कर जाता है। सो गाइस, यहाँ पे वीडियो को आपने टेक्निकल एतबार से फॉलो करना है। मैं इस वीडियो में आपसे वो टोकन शेयर करने जा रहा हूँ जो फैन टोकन है, यानी कि हमें मोस्टली मार्केट के अंदर वो गेन करते भी आमतौर पर दिखाई देते हैं। अगर आप बाइनांस यूज़र हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले एक लंबे अरसे थे हम अक्सर क्रिप्टो की गेनिंग लिस्ट में फैन टोकन को अप होता देखते हैं, जैसे कि सेंटोस, उसके साथ लाजियो, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि ये टोकन बिलोंग किससे करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे करीब 8 से ज़्यादा टोकन शेयर करूंगा जो इस वर्ल्ड कप के दरमियान यानी कि फीफा 2022 में हमें एक अच्छी अर्निंग दे सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इनकी ऑल टाइम अमाउंट कितनी हाई है। अगर ये अपनी ऑल टाइम अमाउंट का जस्ट 10% भी कवर करते हैं तो हमें यहाँ पर एक अच्छी जो अर्निंग करने का मौका मिल सकता है। जो दोस्त इस मार्केट में पहले से ही लॉस में हैं वो इन 8 कॉइन में से एक टोकन के ऊपर नज़र रखें और इन टोकन में से अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी टोकन एक बड़ी फुटबॉल क्लब टीम को डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं। सो गाइस, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिटी टोकन के बारे में, जिससे यानी कि अगर बैक एंड पे देखें तो वो मैनचेस्टर सिटी का फैन टोकन है। अब इसके सिटी के प्राइस हम देखें तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, मैंने इसके ऊपर टोटल वर्क कर लिया है ताकि हमारी वीडियो का टाइम बच सके। ऑल टाइम हाई दोस्तों इसका $32 है, $32, और ये इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है 4.95 पे। अब वर्ल्ड कप के दिनों में इन टोकन्स के प्राइस डेफिनेटली थोड़े बहुत बूस्ट होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये $32 से भी ऊपर चला जाता है तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि मार्केट की उतनी बात करनी चाहिए जितनी मार्केट की पहुंच हो। तो मार्केट की अगर पहुंच की बात करूं तो मार्केट अपनी कैपिटलाइजेशन के अतबार से बहुत ज़्यादा वर्थ खो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया का इस वक्त ये मानना है, इवन के एलन मस्क हो गया या इस वक्त फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग तक का कहना है कि ये फीफा वर्ल्ड कप जो है मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट देगा। अब ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, वो तो बहुत बड़े बूस्ट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लिहाजा हम रियलिटी के नज़दीक तरीन रहकर बात करते हैं। सो गाइज, ये सभी टोकन आपको OKX पे, कुकॉइन पे, बिटगेट पे और बाइनांस पर देखने को मिल जाएंगे। सभी एक्सचेंजेस के लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इन टोकन के अंदर आपने 3 स्टेप ऑफ बाइंग करनी है। जैसे कि अभी हम लो देख रहे हैं मैनचेस्टर सिटी टोकन का 4.60, तो ये हमारी इसी तरह ही हर टोकन की हमारी बाइंग एक बड़े गैप की होनी चाहिए, करीब अमाउंट के हिसाब से 60-60, 70-70 सेंट के गैप से। सो गाइज, आपके पोर्टफोलियो में ये 8ों कॉइन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको सभी टोकन का यहाँ पे जिक्र करूँगा, लेकिन आपने एक आधे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है मार्केट के हालात को देखते हुए। सो गाइज, मार्केट में इस वक्त फैन टोकन की अगर बात करूँ तो वो 60-70 से ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने ये एक वर्क करके आपके लिए इन टोकन का सिलेक्शन किया है। आप खुद से भी जाकर मेहनत कर सकते हैं इन टोकन के ऊपर कि आया कि उस्मान भाई ने आपके लिए जो यहाँ पर स्ट्रगल की है उसकी कोई वैल्यू है, तो आप सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बेकार टोकन है, तो आप इन्हें टोटली इग्नोर कर सकते हैं, बल्कि वीडियो ही इग्नोर कर सकते हैं। सो गाइस, सिटी एंड सेकेंड इज पोर्टो। पोर्टो के लिए चलते हैं उसके पोर्शल पे। सो गाइज, ये जो पोर्टो टोकन है इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 8.30 सेंट इसका ऑल टाइम हाई है। अभी ये $5 पे हमें देखने को मिल रहा है। ये भी डायरेक्ट FC पोर्टो फैन टोकन है और पोर्टुगीज को जाकर के स्पॉन्सर करता है। ये सारी क्लब टीमों के इस वक्त के टोकन है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ, बड़ी हैरान कन बात है। यहाँ पर एक टोकन की कमी होगी जिसको मैं आपके लिए डिस्कस नहीं कर रहा, CRO Crypto.com का टोकन, क्योंकि
इस वक्त कतर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का मेन स्पॉन्सर वो है, लेकिन आज अभी की तारीख तक crypto.com दुनिया को यहाँ पर विड्रॉल नहीं दे रही। सो गाइज, इसीलिए मैंने आपसे CRO यानी कि crypto.com का मेन टोकन अभी तक डिस्कस नहीं किया। जब तक कि crypto.com अपने यूज़र का विड्रॉल नहीं दे देती, आज दोस्तों तीसरा दिन शुरू हो चुका है बल्कि अख्ताम होने को है, लेकिन crypto.com किसी का विड्रॉल नहीं दे रही। अब crypto.com का जो मेन स्पॉन्सर था कतर को, यानी कि 2022 फुटबॉल कतर जो हो रहा है वो जब मुनक्कद हुआ था अप्रैल के अंदर, फाइनल हुआ था 2022 में, तो उनके बाप को भी नहीं पता था कि वो बैंकरप्ट हो जाएंगे या उनका बांडा फूट जाएगा। सो अगर आप CRO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। इसलिए मैं इस पूरी वीडियो में 8 टोकन के अंदर CRO को ऐड नहीं कर रहा, जबकि देखा जाए तो CRO बूस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस जो है वो पहले से ही इस बात से आगाह रहे। मेरे पास इसकी बाकायदा अथेंटिक न्यूज़ भी मौजूद है। थर्ड पे दोस्तों आपने लाजियो को अपनी नज़र में रखना है। लाजियो की ऑल टाइम जो अमाउंट है वो है $23, और ये मार्केट क्रैश होने से पहले बहुत अच्छा वर्क कर रहा था $14 पे, $16 पे, तो अभी लाजियो आ चुका है दोस्तों 8.36 पे। आप देख सकते हैं कि 6.22 का लो लगा कर आया है, तो आप इसको फर्स्ट बाइंग $7-$8 से नीचे इसकी फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद हर बाइंग में 70 से 80 सेंट का फ़र्क रखिएगा। अब ये पोटेंशियल वाइज और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ही शुमार होते हैं, और ये क्योंकि वर्ल्ड कप का बुखार दोस्तों एक रात में उतरने वाला नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर एक ट्रेंड शुरू होने जा रहा है खेलों की दुनिया में, तो कोशिश कीजिएगा कि दौरान वर्ल्ड कप ही आप इसमें से प्रॉफिट निकाल कर निकल जाएं, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड कप ओवर होगा इनके प्राइस गिरने के भी चांसेस होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सेंटोस टोकन के बारे में। ये फोर्थ टोकन है हमारा। बाकी कॉइन्स की तरह दोस्तों सेंटोस FC की भी प्राइस बहुत हाई है, यानी कि $22 इसका ऑल टाइम हाई है। ये भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि 8.18 से डायरेक्टली 9.48 पे पहुंच चुका है, तकरीबन आपको $1.30 की अभी ही ट्रेड दे रहा है। सो हमें ये चीज़ें, ये स्टैट्स एक और मैसेज दे रही हैं कि ये टोकन अभी से ही पम्प हो रहे हैं, तो दोस्तों इसे भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आपको दुराने वर्ल्ड कप एक अच्छी पैसिव इनकम गेन करने का मौका देंगे। फिफ्थ में दोस्तों आपने CHZ को यूज़ करना है, जिसे हम चिलिस बोलते हैं, जो पिछले तकरीबन 15 दिन से मुसलसल बूस्ट है, 9 नवंबर के क्रैश से पहले का बूस्ट हो रहा है, तो चलते हैं उसके पेज की तरफ ताकि आप उसे भी समझ सकें। सो गाइज, फिफ्थ पे CHZ है, चिलिस टोकन, यानी कि ये भी डायरेक्ट फुटबॉल का स्पॉन्सर है, और ये 60 सेंट इसका ऑल टाइम हाई है, और अभी हमें ये 22 सेंट पे देखने को मिल रहा है। सोचें कि अगर ये आपको रिसेंटली 29 सेंट का हाई दे सकता है, तो ये उसका ट्रेंड रिवर्सल भी कर सकता है, और करीब पिछले 28 दिन से ये बाइनांस की टॉप गेनिंग लिस्ट से निकलने का नाम नहीं ले रहा। सो ये मैं समझता हूँ कि अभी मैंने शायद कल रात को हमारी डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की वीडियो में इसके सिग्नल प्रोवाइड किए थे 0.2031 पर, और सुबह की मार्केट में मैंने अपने व्यूवर्स को बताया कि ये 0.24 का हाई लगा कर आया है। सो आप इन सभी कॉइन्स में शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, जैसे ही आप ट्रेड निकाल लें आपको याद होना चाहिए कि आपने लो कहाँ पे बाइंग की थी, तो दोबारा से आप लो में ट्रेड कर सकते हैं। सो सिक्स में दोस्तों अब मैं आपसे शेयर करूंगा जो टोकन, उसका नाम है ATM, चलते हैं उसकी तरफ। गाइस, यहाँ पर ATM को हमने ओपन किया है, और ये $50 इसका ऑल टाइम हाई है, इस वक्त ये 2.97 पे आ चुका है। इसकी पोटेंशियल बाकी टोकन से थोड़ी कम है, लेकिन ये आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। एटलेटिको डी मैड्रिड का ये फैन टोकन है, जो साल 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में आपको एक क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक अच्छा बूस्ट दे सकता है। अब बिना देर किए जल्दी से बढ़ते हैं फोर्थ टोकन की तरफ। दोस्तों फोर्थ टोकन का नाम है बार, यानी कि बार्सिलोना का ये टोकन होगा, जो अभी मैं जिसका पेज ओपन करूंगा। इसका भी $55 हाई है, और अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सो गाइस, मौजूदा परफॉर्मेंस के अतबार से ये अपने अंदर 25 सेंट का इजाफा कर चुका है। आप देख सकते हैं 3.95 से 4.20 पे। आपने देखा होगा कि इस वक्त पूरी मार्केट डंप चल रही है, मैंने कोई भी इस वक्त ऐसा टोकन नहीं खोला जो माइनस में हो। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया दोस्तों, ये वो टोकन है जो वाकई ही अभी पंप होना स्टार्ट हुए हैं, और ये एक मैजिक की तरह वर्क कर रहे हैं। सो सेवंथ पे दोस्तों हमारे पास है बार्सिलोना का FC फैन टोकन, और लास्ट में है दोस्तों PSG की बात करें तो ये $55 का टोकन है। अब बढ़ते हैं उसकी अब की रियल अमाउंट की तरफ। सो गाइज, ये $55 का टोकन इस वक्त 6.60 पे आ चुका है, अब ये भी प्लस में है 13.30% के, 5.85 और 6.66। अब आप देखें यहाँ पर कितना प्रॉफिट ये दे रहा है हमें, करीब 80 सेंट का। तो
तो यहाँ हम ये बात क्लियर करते हैं और क्लोज करते हैं कि इस वक्त फीफा से रिलेटेड जितने भी टोकन हैं जो मुझे लगा पोटेंशियल वाइज स्ट्रॉन्ग हैं वो मैंने आपसे 8 के 8 शेयर कर दी हैं सिवाय सीआरओ के, क्योंकि सीआरओ मैं पहले भी बता चुका हूँ मेन स्पॉन्सर है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, लेकिन उसके विड्रॉल क्लोज होने की वजह से मैंने उसे बंद कर रखा है। आप सीआरओ में एक शर्त पर ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि crypto.com ने सभी यूज़र्स के जो विड्रॉल हैं वो बहाल कर दिए हैं तो फिर बेशक आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट क्रिप्टो की दुनिया से खबर पहुंचाना दोस्तों मेरी ड्यूटी है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।